पाकिस्तान पेट्रोल पैदा नहीं करता, बैन अल-अक़वामी मंडी से खरीदता है। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की ARY से खुसूसी गुफ्तगू, कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बावजूद हुकूमत को महाना 70 अरब का नुकसान हो रहा है। पेट्रोल हमारे मुल्क में तो पैदा नहीं होता, ये तो बाहर से हम मंगवाते हैं, ये इम्पोर्ट होता है। और इस वक्त हमने अपनी तरफ से ये किया है, जहां भी सेल्स टैक्स है वो खत्म कर दिया है, अब जीरो सेल्स टैक्स है। पेट्रोलियम लेवी जो कि हमारे बजट में 30 रुपए पर लीटर का था, वो अब सिर्फ 9 रुपए कुछ पैसे पे। ये जो हमने इकदाम किए हैं, ये हम मुझे 35 अरब रुपया पर फोर्टनाइट और महीने का 70 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। इसकी वजह से हमारे जो बाकी ओवरऑल फाइनेंसिंग है उसमें भी फर्क पड़ता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने डिसीजन लिया हुआ है कि आवाम के ऊपर पूरा बोझ नहीं डालना। हम सोच रहे हैं किस तरीके से हमारा जो लोअर मिडिल क्लास हमारा है, हमारे जो जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं, छोटी गाड़ियों वाले हैं, तो वो हम अगले चंद दिनों में आप देखेंगे कोई हम प्रोग्राम इस पे लाएंगे। वो चीजें एग्जाम करने वाले हैं कि जो के गरीब आदमी, लोअर मिडिल क्लास और इवन अर्बन मिडिल क्लास के जो लोग हैं और सैलरी क्लास वाले लोग हैं, हम चाहेंगे कि उनकी आमदनी को बढ़ाएं हम, और वो हम अभी इंशाल्लाह चंद दिनों में प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर लेके आएंगे। एक आधा इनिशिएटिव नहीं होगा, ये 3-4 इनिशिएटिव इकट्ठे होंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये सुपर साइकिल जो कमोडिटी का है, अगले 6 से 8 महीनों में एक किस्म जोर टूटेगा, तो जब वो टूटेगा तो बिल्कुल सही जो है ना, प्राथमिक दर में इन्फ्लेशन में कमी आएगी। और